हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ी थी इनपुट डिवाइसेस, जो हमारी ये थी माउस, स्कैनर वगैरह। आज हम पढ़ेंगे आपकी आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। द डिवाइस विच डिस्प्ले द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हमारी कौन सी होती है? जो हमारा रिजल्ट डिस्प्ले करती हैं, जो हमें रिजल्ट को शो कराती हैं, वो हमारी डिवाइसेस कौन सी होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ आउटपुट नीडेड। अब डिपेंड करता है हम आउटपुट कैसा चाहते हैं। यू कैन कनेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर से कई तरीके की आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट आता है हमारा मॉनिटर और वीडियो। मॉनिटर और वीडियो क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस। इट इज़ कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये हमारा मॉनिटर शो हो रहा है, इस पर हम अपना आउटपुट शो करा सकते हैं, राइट? द आउटपुट प्रोड्यूस ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, एज यू कैन नॉट कीप दिस आउटपुट परमानेंट। देखो, जो हमें आउटपुट इस स्क्रीन पे दिखता है वो हमारा एक सॉफ्ट कॉपी में होता है, ठीक है? मतलब उसे हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है? यू कैन, और जब ये हमारा आउटपुट कैसा कहलाता है? हमारा सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट कहलाता है, और ये हमारा परमानेंट नहीं रहता है। अब हम चाहते हैं कि वो आउटपुट हमारे हाथ में रहे, हाथ में हमारे वो आउटपुट आए, तो उसके लिए हमें दूसरा डिवाइस कनेक्ट करनी पड़ेगी, जिसका नाम है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर की हेल्प से हम अपने आउटपुट को प्रिंट करा के बाहर निकाल सकते हैं हार्ड कॉपी में, ठीक है? दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रिंट द आउटपुट ऑन द पेपर। हम अपने पेपर पर उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। प्रिंटर्स आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। वो प्रिंटर वाला आउटपुट क्या होता है? हमारा हार्ड कॉपी कहलाती है। एज यू कैन कीप इट्स आउटपुट परमानेंटली विद यू। वो हमारा आउटपुट आपके पास कैसा रहेगा? परमानेंट आपके पास रहे। अब हमारे आते हैं प्रिंटर्स के टाइप। प्रिंटर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे चार कैटेगरीज आती हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर। ये हमारे पहले चलते थे प्रिंटर, ठीक है? और जो हमारे एडवांस प्रिंटर आते हैं, वो आते हैं हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें हमारे आते हैं लेज़र प्रिंटर और हमारे ये इंकजेट एंड थर्मल प्रिंटर। हम अपनी लैब में ज़्यादातर लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं। अब समझते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। आ प्रिंट हेड बियरिंग अ लेटर, नंबर और साइन स्ट्राइक्स एन इंक्ड रिबन प्लेस इमीजिएटली बिफोर द पेपर इज इन टाइपराइटर। दीज स्ट्राइक्स कॉज द इम्प्रिंट ऑफ द प्रिंट हेड ऑन द पेपर विद द इंक ऑफ द रिबन। देयर इज रेक कंटेन बिटवीन द लिंक रिबन। देखो, ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये हमारे टाइपराइटर, देखा होगा टाइपराइटर में जैसे हमारा रिबन लगा होता है, रिबन जैसे हमारा ये रिबन लगा हुआ है और हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, उस रिबन पे टाइप होकर आता है, मींस करेक्टर को प्रिंट करता है, वो करेक्टर बाय करेक्टर, लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं। इसीलिए उनकी स्पीड थोड़ी स्लो भी होती है और थोड़ा वो नॉइज़, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं। ये सभी हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इंक्लूड लेज़र, इंकजेट एंड थर्मल प्रिंटर। दीज आर डिफरेंट टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफरिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स टू द प्रिंट मीडियम। दीज प्रिंटर ट्रांसफर द आउटपुट डायरेक्टली टू द पेपर विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंट हेड। इसमें हम डायरेक्ट पेपर डालते हैं और जो भी हमारा पेपर होता है उस पर प्रिंट होता है, वो ऑटोमेटिकली हमारा प्रिंट होकर आ जाता है। जैसे ये हमारी बुक है, बुक का ये पेपर है, ये हमारा लेज़र प्रिंटर हुआ है, हमने सीधा उसमें पेपर डाला और अपना प्रिंट होकर निकाल लिया, ठीक है? नेक्स्ट हमारी आती है आउटपुट डिवाइस में स्पीकर। स्पीकर अब हमारा आउटपुट डिवाइस कैसे हुआ भाई? हम सॉन्ग सुनते हैं, अब कंप्यूटर में हमने सॉन्ग प्ले तो कर दिया, बट लेकिन वो हम तक पहुंचेगा कैसे? तो उसके लिए हमें कनेक्ट कराने होते हैं हमारे स्पीकर्स, बिकॉज स्पीकर्स की हेल्प से ही वो हमें सुनाई देते हैं। स्पीकर कैन बी यूज टू टेक द ऑडियो आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। यू कैन कनेक्ट द स्पीकर विद योर कंप्यूटर टू लिसन द म्यूजिक। सबको स्पीकर के बारे में ऑलरेडी पता ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस हमारी वो होती हैं जो हमारे कंप्यूटर में जो डेटा को स्टोर करती हैं, सेव करके रखती हैं, ठीक है? तो दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर आवर इंफॉर्मेशन परमानेंटली इनसाइड द कंप्यूटर। हमारी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली उसमें स्टोर करती हैं। सबसे पहले आती है हमारी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होती हैं? आप 3.5 फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर अप टू 1.44 मेगाबाइट्स डेटा। ये इसकी लिमिट बता रखी है कि ये इतने लिमिट तक हमारे डेटा को स्टोर कर सकती है, ठीक है? इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। ये एक छोटी सी डिवाइस होती है हमारी, जिसे हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आती है हमारी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में
फिक्स होती है, ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर में परमानेंट फिक्स होती है। आर स्टोरेज डिवाइस परमानेंटली फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर, इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इन द रेंज, इसकी कैपेसिटी की रेंज होती है वो 20 GB से 2 TB होती है, बहुत ज़्यादा वाइड होती है, इसके अंदर हम अपना बहुत सारा डेटा स्टोर करा सकते हैं। कॉम्पैक्ट इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस विद द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मोर देन, ये 700 MB से ऊपर का हमारा डेटा को स्टोर कर सकती है। इट इज़ ऑल्सो, ये भी हमारी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी डिजिटल, ये हमारी अलग अलग टाइप की हैं। अब देखो डिजिटल वर्टिकल डिस्क, डीवीडी, हमने देखी होगी डीवीडी के अंदर हम कितनी सारी पिक्चर्स हम ले सकते हैं, तो इसी टाइप से अपोर्टिकल डिवाइस विद स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB टू 17.08 GB, इट रीड्स डेटा फास्टर दैन सीडी से ज़्यादा पावर की होती है हमारी डीवीडी। फ्लैश ड्राइव, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस पॉपुलर नोन एज पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव को हम पेन ड्राइव भी कह सकते हैं, पेन ड्राइव होती है हमारी फ्लैश ड्राइव की तरह, विच डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड डिलीटेड, इसमें हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, और इसकी जो हमारी मेमोरी होती है, कैपेसिटी होती है, वो 128 MB से लेकर 32 GB तक होती है। पेन ड्राइव सब बच्चों ने देखी होगी अपने घर पर। देन लास्ट आता है हमारा ब्लू रे डिस्क, दिस इज़ अ न्यूली इन्वेंटेड ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस हूज स्टोर, इट इज़ अ स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी फ्रॉम 25 GB टू 50 GB, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 25 GB से लेके 50 GB तक होती है, ठीक है। ये हमारी न्यूली इन्वेंटेड की गई है, इट इज़ मेनली यूज टू स्टोर हाई क्वालिटी साउंड एंड मूवी डेटा, ये जो ब्लू रे डिस्क होती है ये हमारी साउंड और मूवी के लिए मेनली यूज़ की जाती है। दे आर द स्क्रैच रेजिस्टेंट डिस्क, दैट्स वाई स्टोरिंग डेटा ऑन दिस इज मच सेफर देन अ सीडी और डीवीडी, इसीलिए हम इसमें अपना डेटा जो स्टोर करते हैं वो सेफ होता है हमारा, किसके उससे सीडी और डीवीडी से ज़्यादा सेफ हमारी ब्लू रे डिस्क होती है, किस चीज़ के लिए, हमारी मूवीज़ और सॉन्ग्स वगैरह के लिए, ठीक है। अब आपका चैप्टर होता है ये फिनिश, कल हम आपकी इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।